हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। रोजगार स्वरोजगार के लिए नहीं होने देंगे पूंजी की कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों में वितरित किया 10,390 करोड़ रुपए का ऋण। कहा, एमएसएमई उद्योग शिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए हर संभव मदद देगी सरकार। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। शाम को लखनऊ होंगे रवाना। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीडीएस विपिन रावत। गुरु गोरखनाथ के किए दर्शन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। शुक्रवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक साप्ताहिक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम का गोरखपुर न्यूज चैनल पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। साथ ही गोरखपुर न्यूज के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भी लाइव प्रसारण देख सकेंगे दर्शक। गुरुवार को सुबह 8 बजे से शुरू हुआ गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के साप्ताहिक समारोह के कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्थलीय निरीक्षण। कार्यक्रम के सफल आयोजन के दिए निर्देश। उद्योग विभाग द्वारा संचालित चतुर्थ ऋण मेला के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के लाभार्थियों में 60 लाख रुपए का किया ऋण वितरण। जनपद के 2 लाभार्थियों से की बात। ऋण मिलने पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ल ने आकाशवाणी का किया निरीक्षण, दिया आश्वासन। कहा, आकाशवाणी में जल्द लगेगा नया ट्रांसमीटर, प्रसारण में होगी क्षमता वृद्धि। हरपुर बुधट थाना क्षेत्र के सोपरा देवरिया गांव में किराना व्यापारी की हत्या के 4 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीओ खन्नी ने कहा, शेष अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। जिले में बृहस्पतिवार को मिले 39 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,165। अब तक 323 कोरोना संक्रमित गंवा चुके हैं अपनी जान। 439 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जिले के प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर कोरोना टीकाकरण को लेकर नहीं है संजीदा। सीएमओ कार्यालय द्वारा बार बार ब्यौरा मांगे जाने के बावजूद 220 सेंटर के संचालक नहीं दे रहे सूचना। सीएमओ ने कहा, जो अभी तक कर्मियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराए हैं उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से समझा जाए निलंबित। और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में किया गया रामचरितमानस पाठ के 7 सोपान पर आधारित संगीत में ऑडियो कैसेट मानस मंथन का लोकार्पण। लोग उठा सकेंगे भक्ति भजन का लुत्फ।